और इस बार मुझे गोरखपुर और आसपास के क्षेत्रों से जो संदेश मिल रहे हैं और जो माहौल बता रहा है और जो यहां पर जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है, इस बार न केवल गोरखपुर, बांसगांव और आसपास जितने भी लोकसभा क्षेत्र हैं उसमें सभी के सभी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जीतने जा रहे हैं। मैं यहां पर दो लोकसभा के जो उपस्थित हमारे साथी हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, जहां काजल निषाद जी आपके बीच में समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हैं, वहीं सदल प्रसाद जी जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं, इन दोनों साथियों को एक एक वोट देकर के साइकिल और कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पंजे पर ऐतिहासिक वोट देकर के इनको सफल बनाने का काम करना। मैं देख रहा हूं इस बार गोरखपुर और आसपास के लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का जो गोरख धंधा चल रहा है उसको हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर देंगे। ये जो गोरख धंधा चल रहा है लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक, और जिस तरह का हमने और आपने सरकारों का कार्यकाल देखा है, 10 साल में इनकी हर बात झूठी और हर वादा झूठा निकला है। जो लोग कहते थे 400 पार का नारा देकर के, ये जो 400 पार का नारा दे रहे थे, इस बार 400 पार तो हो ही रहा, इस बार 400 हारने जा रहे हैं। और सच्चाई तो ये है कि अगर सही तरीके से हिसाब किताब लगाओगे, दिल्ली वालों ने अपने मन की बात 400 पार में कह दी। जो लोग हिंदी समझते होंगे, गिनती को जानते होंगे, मैं आपसे पूछूं कि अगर कुल मिलाकर के 543 सीटें लोकसभा की हैं और अगर बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि हम 400 पार जीतेंगे, तो बताओ कितनी सीटें जीतने जा रहे हैं? 543 में 400 पार कितनी बन रही हैं? ये 143 नहीं, इस बार देश की जनता इनको 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी।